हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी बीएफए मॉड्यूल डी का केस स्टडी एनपीए प्रोविजनिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एनपीए प्रोविजनिंग नॉर्म्स का। तो जो फ्रेंड स्टैंडर्ड एसेट है उसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रोविजनिंग अप्लाई होता है वो है 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अगर डायरेक्ट एग्री या एसएमई या इंडिविजुअल एचएल का केस है तो वहाँ पे 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में अगर ऑफिस है तो 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और अगर रेजिडेंशियल है तो 0.75% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एचएल टीजर रेट जहाँ पे है वहाँ पे 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर हम लोग प्रोविजन करेंगे। सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में अगर सिक्योर्ड है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 15%, और अगर अनसिक्योर्ड है तो 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का है लोन तो उसमें हम लोग 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेते हैं। डाउटफुल एसेट में इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, D1, D2 और D3। D1 है अप टू 1 ईयर, D2 1 to 3 ईयर्स, और D3 है मोर देन 3 ईयर्स। तो D1 में हम लोग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर अलग अलग जो है वो प्रोविजन करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो RVS है ये है रिजर्व वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, और OS का मतलब है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो जब हम लोग डाउटफुल एसेट में प्रोविजनिंग करते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी वैल्यू के ऊपर करते हैं, और जब हम लोग सब स्टैंडर्ड में करते हैं तो हम लोग आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर करते हैं। तो सिक्योर्ड अगर है तो डाउटफुल वन के केस में सिक्योर्ड के ऊपर हम लोग 25% ऑफ सिक्योरिटी लेंगे, और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। D2 में हम लोग सिक्योर्ड वैल्यू सिक्योर्ड है तो 40% ऑफ RVS लेंगे, और अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। D3 के केस में अगर सिक्योर्ड है तो 100%, अनसिक्योर्ड है तो भी 100%, और लॉस एसेट में हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर 100% का प्रोविजन लेते हैं। यहाँ पे एक चीज और आप लोग ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड, जो फ्रॉड लोन्स होते हैं, फ्रॉड लोन्स जो है वो डायरेक्टली लॉस एसेट में कैटेगराइज होते हैं, तो उनके ऊपर जब भी प्रोविजनिंग होगा वो 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट का प्रोविजनिंग होगा। लॉस फ्रॉड एसेट जो है वो कभी भी सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल एसेट में नहीं कैटेगराइज होता है, वो डायरेक्ट लॉस एसेट में कैटेगराइज होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का केस स्टडीज जो कि एनपीए प्रोविजनिंग नॉर्म्स के ऊपर है। तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल बैंक्स प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स एनपीए अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2012, जिसमें टोटल लोन्स जो है वो 40,000 है, जिसमें सब स्टैंडर्ड अकाउंट जो है वो 38,000 है। 38,000 में डायरेक्ट एग्रीकल्चर और SME लोन जो है वो 10,000 है, सब स्टैंडर्ड जो है वो 800 करोड़ है, जिसमें कि अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड लोन 200 करोड़ है, डाउटफुल अप टू 1 ईयर 800 करोड़, डाउटफुल अबव 1 ईयर अप टू 3 ईयर 200 करोड़, एंड डाउटफुल अबव 3 ईयर 120 करोड़, और लॉस अकाउंट्स में 80 करोड़ है, और जो भी डाउटफुल अकाउंट्स हैं उन वो फुल्ली सिक्योर्ड हैं। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट। तो स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो स्टैंडर्ड अकाउंट है 38,000 है टोटल, जिसमें से 10,000 जो है वो एग्रीकल्चर और SME का लोन है। तो हम लोग 38 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा बाकी का स्टैंडर्ड अकाउंट आ जाएगा। तो 28,000 यानी 38 माइनस 10 इज इक्वल टू 28 के ऊपर हम लोग जनरल अकाउंट्स का प्रोविजन नॉर्म्स लेंगे यानी कि 0.40%। तो 28,000 का 0.40% हो गया 112 करोड़। उसके बाद डायरेक्ट एग्रीकल्चर और SME अकाउंट पे हम लोग 0.25% का प्रोविजन लेते हैं। तो 10,000 है SME और डायरेक्ट एग्रीकल्चर, तो 10,000 के ऊपर हम लोग 0.25% लेंगे यानी 25 करोड़। अब टोटल प्रोविजन होगा 112 करोड़ प्लस 25 करोड़ इक्वल टू 137 करोड़। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, रुपीज 137 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन सब स्टैंडर्ड लोन अकाउंट्स। तो सब स्टैंडर्ड लोन अकाउंट के ऊपर हमें जो है वो प्रोविजन निकालना है। तो सब स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अगर सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड है तो उसके ऊपर हम लोग 15% का प्रोविजन लेते हैं, और अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग 25% का प्रोविजन लेते हैं। तो यहाँ पे जो
टोटल सब स्टैंडर्ड है वो 800 है, 800 में से 200 जो है वो अनसिक्योर्ड है, तो हमारा सिक्योर्ड पोर्शन कितना हो जाएगा, 800 माइनस 200 इक्वल टू 600, तो 600 के ऊपर हमने 15% लिया, तो 600 का 50% 90 करोड़ हुआ, और अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड 200 है, 200 का हम लोग 25% लेंगे, तो वो हो गया 50 करोड़, तो टोटल प्रोविजन सब स्टैंडर्ड के ऊपर हुआ 90 करोड़ प्लस 50 करोड़ इक्वल टू 140 करोड़, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपीज 140 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन डाउटफुल लोन अकाउंट्स, यानी कि डाउटफुल लोन अकाउंट के ऊपर प्रोविजन क्या होगा, तो हमारा डाउटफुल वन जो है 800 करोड़ है, 1 to up to 3 years 200 करोड़ है, अबव 3 years 120 करोड़ है, तो हम लोग डीबी वन में जो लेंगे 800 का 25%, क्योंकि डीबी वन का जो सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर हमारा प्रोविजन होता है वो 25% का होता है। उसके बाद डीबी टू में हम लोग 40% लेते हैं, तो डीबी टू हमारा कितना है 200 करोड़ है, 200 करोड़ का 40% लिया 80 करोड़, डीबी थ्री का हम लोग 100% लेते हैं, तो डीबी थ्री में 200 करोड़ है, सॉरी अबव 3 years 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ का हम लोग 100% लेंगे, यानी 120 करोड़, तो टोटल हमारा हो गया 200 प्लस 80 प्लस 120, यानी 200 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 400 करोड़, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रुपीज 400 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल प्रोविजन ऑन एनपीए लोन, यानी कि टोटल एनपीए का क्या प्रोविजन होगा, तो फ्रेंड टोटल एनपीए हमारा जो है वो है सब स्टैंडर्ड 140 जो हमने पहले निकाला था, और डाउटफुल हमने निकाला था 400, लॉस अकाउंट पे हम लोग 100% का प्रोविजन लेते हैं, तो यहाँ लॉस अकाउंट 80 करोड़ है, तो हमने 80 करोड़ का 80 करोड़ लिया, तीनों को ऐड करेंगे सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस, तो 140 प्लस 400 प्लस 80 इक्वल टू 620 करोड़, तो टोटल हमारा एनपीए प्रोविजन होगा 620 करोड़ का, तो ऑप्शन डी रुपीज 620 करोड़ जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एंड एनपीए लोन, यानी कि अब स्टैंडर्ड और एनपीए लोन का क्या होगा, तो फ्रेंड हमने अपना जो पीछे का क्वेश्चन बनाया है वहां पे हमने स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए 137 करोड़ निकाला था और एनपीए लोन के लिए हमने 620 करोड़ निकाला था, दोनों को ऐड कर देंगे तो 137 प्लस 620 इक्वल टू 757 करोड़, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ द बैंक, फ्रेंड प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ द बैंक निकालने के लिए हमारा जो टोटल प्रोविजन ऑन एनपीए अकाउंट होता है उसको हम लोग ग्रॉस एडवांस से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए एडवांस, तो टोटल हमारा लोन है 40,000 में से स्टैंडर्ड लोन है हमारा 38,000, तो एनपीए लोन कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 38,000 इक्वल टू 2,000, तो 620 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 31.0%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिक्योरिटी वैल्यू इन सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट इज रुपीज 600 करोड़, व्हाट विल बी द प्रोविजन ऑन सब स्टैंडर्ड अकाउंट, तो फ्रेंड यहाँ पे दे रहा है कि सिक्योर्ड वैल्यू जो है सब स्टैंडर्ड अकाउंट का वो 600 करोड़ है, तो हम लोग सब स्टैंडर्ड अकाउंट में अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो उसके ऊपर 15% का हम लोग प्रोविजन लेते हैं, तो 600 का हम लोग 15% निकालेंगे तो आएगा 90 करोड़, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रुपीज 90 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सिक्योरिटी वैल्यू इन डीबी वन कैटेगरी अकाउंट इज रुपीज 600 करोड़, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीबी वन कैटेगरी अकाउंट, तो फ्रेंड्स जो डीबी वन कैटेगरी है वहां पे सिक्योरिटी वैल्यू जो है वो 600 करोड़ है और यहाँ पे हमारा जो डाउटफुल वन अकाउंट है वो 800 करोड़ है, यानी 600 करोड़ हमारा सिक्योरिटी हो गया और 200 करोड़ हमारा अनसिक्योर्ड हो गया, तो जो हमारा सिक्योर्ड पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग 25% का प्रोविजन लेंगे और अनसिक्योर्ड के ऊपर हम लोग 100% का प्रोविजन लेंगे, तो सिक्योर्ड अकाउंट हो गया 600 का 25% 150 करोड़ और अनसिक्योर्ड हो गया 200 का 100% 200 करोड़, दोनों को ऐड करेंगे तो 150 प्लस 200 टोटल 350 करोड़ का हमारा डीबी वन के ऊपर प्रोविजनिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ सिक्योरिटी वैल्यू इज रुपीज 150 करोड़ इन डीबी टू अकाउंट द प्रोविजन शैल बी, तो अभी देखिए फ्रेंड्स हमारा डीबी टू जो है वो कितना है अबव 1 year अप टू 3 years 200 करोड़ है, 200 करोड़ में से 150 हमारा सिक्योरिटी है, तो बच गया कितना 50,
तो हम लोग 150 के ऊपर अगर DB2 है तो सिक्योर्ड पोर्शन पे 40% लेते हैं और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% लेते हैं। तो 150 का 40% हो गया 60 करोड़, और अनसिक्योर्ड पोर्शन हमारा बचा था 50 करोड़, यानी कि 200 में से हमने 150 माइनस किया तो हमारा 50 अनसिक्योर्ड हुआ, उसका हम लोग 100% लेंगे 50 करोड़, तो टोटल प्रोविजन हो गया 60 करोड़ प्लस 50 करोड़ इजकल टू 110 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज निकालने के लिए फ्रेंड, जो हमारा एनपीए अकाउंट है, ग्रॉस एनपीए, उसको हम लोग टोटल एसेट यानी टोटल लोन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो हमारा 2000 जो था वो एनपीए एडवांस था, यानी कि 38,000 माइनस 40,000, तो 2000 करोड़ डिवाइडेड बाई 40,000 करोड़ टोटल लोन्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इजकल टू 5%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एनपीए। तो नेट एनपीए का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन। तो ग्रॉस एनपीए हमारा कितना था, 40,000 माइनस 38,000 इजकल टू 2000, और हमारा जो प्रोविजन अमाउंट आया था टोटल एनपीए अकाउंट्स के ऊपर 620 करोड़, तो 2000 माइनस 620 इजकल टू 1380 करोड़। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक और केस स्टडीज देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दे रहा है कि इंटरनेशनल बैंक हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स एडवांसेस पोर्टफोलियो एज ऑन 31 मार्च 2010। तो टोटल एडवांस जो है 40,000 करोड़ है, ग्रॉस एनपीए 9%, नेट एनपीए 2%। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंसिडरिंग दैट ऑल द स्टैंडर्ड लोन अकाउंट्स रिप्रेजेंट जनरल एडवांसेस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड लोन अकाउंट। तो स्टैंडर्ड अकाउंट जो है फ्रेंड्स, वो 40,000 माइनस 9% एनपीए, तो 40,000 में से हम लोग उसका 9% माइनस करेंगे तो 3600 करोड़। 40,000 में से हम लोग 3600 माइनस किए तो 36,400 करोड़। अभी प्रोविजन एट 0.40%, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड अकाउंट्स के ऊपर 0.40% का प्रोविजन लेते हैं, तो 36,400 जो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट आया है उसका हम लोग 0.40% निकालेंगे, तो 145.60 करोड़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजन ऑन एनपीए अकाउंट। तो प्रोविजन ऑन एनपीए अकाउंट फ्रेंड्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एनपीए 9% है और नेट एनपीए जो है 2% है, तो ग्रॉस एनपीए में से हम लोग नेट एनपीए माइनस करेंगे तो 7% आया, तो 40,000 का हम लोग 7% निकालेंगे क्योंकि 40,000 हमारा टोटल एडवांस है, तो 2800 करोड़ जो है ये हमारा प्रोविजन ऑन एनपीए अकाउंट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन टोटल एडवांसेस इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड अकाउंट। तो प्रोविजन ऑन एनपीए, ग्रॉस एनपीए 9% माइनस नेट एनपीए 2% इक्वल टू 7%, तो हमने 40,000 का 7% निकाला था फ्रेंड्स, तो 2800 करोड़ आया था। प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला 145.60 करोड़, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 2800 प्लस 145.60, तो टोटल प्रोविजन जो है वो हो जाएगा 2945.60 करोड़। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए 9% है, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड, हम लोग टोटल एडवांसेस का 9% निकालेंगे, दैट इज 3600 करोड़। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एनपीए। नेट एनपीए 2% है, तो 40,000 का हम लोग 2% लेंगे तो 800 करोड़। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोविजन कवरेज रेशियो फॉर एनपीए। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो मैंने बताया था फ्रेंड्स, टोटल प्रोविजन ऑन एनपीए को हम लोग ग्रॉस एनपीए से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारा टोटल प्रोविजन हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में 2800, और ग्रॉस एनपीए हमारा आया था 3600, क्योंकि ये 40,000 का 9% 3600 हो गया, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा 77.8%। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, 77.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोविजंस टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक टू मीट द प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ऑफ 70%। अभी मिनिमम अमाउंट जो है वो प्रोविजन का कितना मेंटेन करना पड़ेगा बैंकों का, तो
ग्रॉस एनपीए का 70%, ग्रॉस एनपीए हमने कितना निकाला था 3600, 40,000 का 9%, 3600, फिर उसका 70% हम लोग निकालेंगे, यानी 2520 अमाउंट जो है वो बैंकों को प्रोविजन करना पड़ेगा। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, 2520 करोड़। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एनपीए प्रोविजनिंग के ऊपर हमारा ये जो केस स्टडीज था यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।